हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि हम आपके लिए जो है 11th CET का इंग्लिश का जो है टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं, तो वो आ गई है। हमारी ये फर्स्ट वीडियो है CET की सीरीज़ की, और इसमें आपको जो है हम जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो भी सिलेबस में आने वाले हैं CET के, वो हम पूरा कवर करेंगे। इस पूरे टेस्ट सीरीज तक हमारे साथ बने रहिए, और हम इसमें आपको जो है आपको सिर्फ MCQ ही नहीं, बाकी के लोगों के ऐसा सिर्फ MCQ नहीं करवाएंगे, सब्जेक्ट के ऐसे MCQ नहीं करवाएंगे, बल्कि हम आपको एक क्विक रिविजन भी देंगे टॉपिक्स का। एंड देन आपको वीडियो में ही मैं कुछ MCQ सॉल्व करवा दूंगा, एंड आफ्टर दैट मैं गूगल फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, जिससे आप आराम से जो है CET का जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें MCQs रहेंगे, आपको दिए हुए रहेंगे, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और कंप्लीट करने के बाद उस फॉर्म को आप हमें जो है मेल भी कर सकते हैं। उसका मेल का भी मैं आपको जो है ID दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें मेल करके बता सकते हैं कि हमने सॉल्व कर लिया, आपके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अपने। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो आपको उसका रिप्लाई जो है विद इन आपको मैं जो है जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आज का हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, और आपने अपने जो प्रीवियस स्टैंडर्ड जितने भी आपके स्मॉल स्टैंडर्ड है आपने उसमें पढ़ते आए हो। तो उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और उसके जितने भी टाइप्स हैं, आपको लगभग 8 टाइप्स होते हैं, आपको पता ही होगा। एंड इसके 8 टाइप्स को आपको मैं पहले क्विक रिविजन दूंगा, एंड उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, एंड देन आफ्टर वीडियो टॉपिक खत्म करने के बाद जो है वीडियो में ही मैं आपको कुछ MCQ भी सॉल्व करवा दूंगा। आप पॉज करके वीडियो को उसको MCQ को लिख भी सकते हैं, अपने हाथ में नोटबुक और पेन रखिए और लिखते रहिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं ऐड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। सो हियर इट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन। नाउन आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट टाइप होता है। चलिए इसका डेफिनेशन जो है क्विकली रिविजन कर लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल, अ थिंग और अ फीलिंग। ठीक है, अब इसमें जो आपको एग्जाम्पल देगा और क्वेश्चन में जो पूछेगा CET में, वहाँ पे आपको जो है सिंपली नाउन नहीं पूछ देगा। ठीक है, आपको नाउन के टाइप पूछेगा, और कौन से टाइप, आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, चार ऑप्शन कैसे होंगे उसके लिए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अजय इज माई कलीग। अब ये अजय इज माई कलीग, इसमें अगर नाउन सिंपली आपको कोई ढूंढने को मिलेगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको चार ऑप्शन देंगे कि ये क्या, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, या फिर ये मटेरियल नाउन है, तो आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अजय इज माई कलीग, सो अजय यहाँ पे क्या नाम, कौन सा नाउन है यहाँ पे, अजय यहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, एंड कलीग जो है वो कलीग क्या होगा आपका, यहाँ पे कॉमन नाउन होगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई एक आंसर आपका राइट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। देर आर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री। अब यहाँ पे जो है देर आर मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री दिया हुआ है। अब इसमें आपको पूछ देगा कि कौन से नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या फिर मटेरियल नाउन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो बर्ड्स है, बर्ड्स और ट्री। ठीक है, अब ये जो आपको सिंपली दिखेंगे कि ये क्या दिखेंगे, नाउन दिखेंगे, लेकिन इस नाउन में भी आपको टाइप पूछ दिया है, ऑप्शन देंगे आपको, चार अलग अलग नाम नाउन के देंगे, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बर्ड किसी का नाम नहीं दिया, किसी बर्ड का नाम नहीं दिया, इसका मतलब ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, एंड ट्री में भी क्या दिया हुआ है, किसी भी ट्री का पर्टिकुलर नाम है क्या, नहीं दिया, तो ट्री क्या हो जाएगा आपका, ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाउन का। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट टू द सेकेंड टॉपिक, जो आपका क्या है, अ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन क्या होता है, इसका क्विक रिविजन करते हैं डेफिनेशन का इसका। सो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड अननेसेसरी एंड अनप्लेजेंट रिपीटिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोनाउन हो यूज क्यों होता है, नाउन जो है बार बार रिपीट ना हो सेंटेंस में, और उससे क्या होता है, एक अनप्लेजेंट और अननेसेसरी जो रिपीटिशन होता है वो प्रॉपर ना हो सेंटेंस में, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। अब इसमें एग्जांपल जो है वो किस तरीके से आएंगे आपको प्रोनाउन फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए हम देखते हैं एग्जांपल। देखिए, जेन इज एब्सेंट टुडे एज शी इज इल। अब यहाँ पे जेनी जो है वो क्या है, एब्सेंट है। अब जेनी इज एब्सेंट टुडे एज शी इज इल का मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोनाउन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब प्रोनाउन में भी आपको क्या पूछ देंगे, टाइप पूछ देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपको उसमें भी जो है क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखिए, इसमें जो है आपको क्या दिया हुआ है कि जेनी इज एब्सेंट टुडे एज शी
इज इल। अब आपको कभी कभी जो है क्या होगा, आपको टिप टाइप्स नहीं पूछेंगे। जैसे नाउन में कोई पूछेगा कि आप, चलो नाउन में आपको पूछ देगा कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन है, ठीक है। लेकिन आपको प्रोनाउन में पूछ देगा कि वर्ड ही अगर आपको पूछ दिया कि इसमें कौन सा वर्ड जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, तो बताइए। अब जैसे इसमें जो लिख देगा, अगर आपको जेनी लिख देगा, एबसेंट लिख देगा, और आपको टुडे लिख देगा, और आपको शी लिख देगा, ये चार ऑप्शन आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये प्रोनाउन जो है वो कौन सा होगा। तो प्रोनाउन कौन है यहाँ पे, शी है, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुणे इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, इट इज़ अ क्लोज टू मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमको फाइंड आउट करना है। अब इसमें ऑप्शन आपको फिर दे देंगे कैसे, कि पुणे, फिर सिटी, फिर इट, और फिर मुंबई। फिर आपको बताएं, बोलेंगे कि इसमें प्रोनाउन जो है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। तो आपको प्रोनाउन फाइंड आउट करना पड़ेगा इन चारों वर्ड में से। तो आपका प्रोनाउन क्या होगा, राइट प्रोनाउन क्या होगा आपका, इट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड टॉपिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। उसका नाम है आपका अ वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, इसका क्विक रिविजन देखते हैं हम। A verb is a word used to show an action, possession or existence. ठीक है, अब यहाँ पे हमको मालूम तो है verb क्या करता है, action वाला word जितने भी होते हैं, and possession दिखाता है अपने आप में, और existence दिखाता है, उसको हम लोग verb बोलते हैं, ठीक है। अब verb में भी आपको जो है वो क्या करेगा, पूछ देगा, ठीक है, कि कौन सा word जो है वो verb शो कर रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखते हैं, द बॉयज आर साइकिलिंग इन द पार्क। अब यहाँ पे पूछ देगा आपको जो है वर्ब, आप फाइंड आउट करना है, तो आपको पूछ देगा कि आर ऑप्शन दे देगा, उसके बाद पार्क ऑप्शन दे देगा, बॉयज ऑप्शन दे देगा, और साइकिलिंग ऑप्शन देगा। तो आपको मालूम है कि अगर आपको पता नहीं होगा कि वर्ब का डेफिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है, तो आप कभी भी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको मालूम है कि हाँ वर्ब क्या होता है, एक्शन वाला वर्ड होता है, तो आप इजीली क्या बोल पाएंगे, साइकिलिंग इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो सेकेंड आपको एग्जाम्पल देखते हैं आगे, प्रीति एंड हर सिस्टर डांस ग्रेसफुली, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखिए, अगर आपको बोल देगा कि वर्ब फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑप्शन आपको क्या क्या दे देंगे, हर दे देंगे आपको जो है वो, डांस दे देंगे, ग्रेसफुली दे देंगे, और आपको सिस्टर दे देंगे, ठीक है। अब ये चारों आपको ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब इस चार ऑप्शन में आपको जो है एक्शन वाला वर्ड वो कौन सा दिख रहा है बच्चों, सो आपको एक्शन वाला कौन सा वर्ड दिखेगा, डांस दिखेगा। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया आपका डांस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो टाइप है वो क्या है आपका, इसका एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव का भी एक शॉर्ट जो है डेफिनेशन का क्विक रिविजन करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन बाय एडिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, मतलब उनके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन बताता हो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव में भी आपको जो है वर्ड्स दे देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एवरी स्टूडेंट वॉज गिवन अ स्मॉल गिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो है बोलेंगे कि वर्ड आपके सामने चार ऑप्शन दिए रहेंगे, और आपको बोलेंगे कि इसमें से फाइंड आउट द एडजेक्टिव, ठीक है। अब लेट्स से एग्जांपल देखते हैं कि आपको ऑप्शन दे दिया मैंने कि स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं हम लोग इसका फिफ्थ जो है वो फिफ्थ टाइप देखते हैं। फिफ्थ क्या है इसका, एन एडवर्ब, ठीक है। एन एडवर्ब क्या होता है, इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, और किसी अनदर एडवर्ब को भी, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। और एडवर्ब में भी आपको जो है क्वेश्चन पूछ देंगे, आपको किस तरीके क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए, सैम स्पोक रूडली टू हिज ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल देंगे कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब, अब आपको क्वेश्चन दे देंगे, दे दिया आपको क्वेश्चन एंड ऑप्शन दे देंगे, स्पोक रूडली हिज और ब्रदर, ठीक है। तो आपको पहचानना है इसमें, तो स्पोक तो आपको पता है कि एक्शन वाला वर्ड है, ये तो होगा नहीं, फिर रूडली है, हिज है और ब्रदर है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो हिज है वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, ब्रदर भी कॉमन नाउन का काम कर रहा है, लेकिन रूडली वो क्या करेगा आपका, एन एडवर्ब का काम करेगा। तो ये क्या होगा आपका आंसर, राइट, रूडली, ठीक है। अगर इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, देखिए, इट विल बी इवनिंग सून, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देंगे इट, उसके बाद दे देंगे आपको विल, फिर इवनिंग और फिर सून, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बता रहा है क्या, इट विल बी, ओके, बी आपका यहाँ पे क्या है, एग्जैक्टली में वर्ब है, वर्ब को बताने वाला, ठीक है, होने वाला है, क्या होने वाला है, तो शाम होने वाली, ठीक है, सून, इवनिंग, बी इवनिंग सून, तो यहाँ पे सून जो है ये ऑप्शन क्या होगा आपका, एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है।
एंड उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका सिक्स्थ ऑप्शन। सिक्स्थ ऑप्शन क्या है इसका? अ प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन क्या होता है उसका एक क्विक रिविजन देखेंगे हम। इज अ वर्ड विच इज यूज विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विद द समथिंग एल्स। ठीक है, मतलब ये नाउन के साथ में यूज होता है, प्रोनाउन के साथ में भी यूज होता है एंड शो करता है इट्स रिलेशनशिप विथ समथिंग एल्स, किसी और के बारे में ही जो है क्या करता है रिलेशन इसका दिखाता है। अब ठीक है, यहाँ पे आपको भी क्या प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशंस कितने क्या क्या होते हैं हमने पढ़े हैं आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे, आपको एक सेंटेंस देंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं द कैट इज हाइडिंग नियर द ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, तो मैंने ऑप्शन दे दिया आपको इज, ठीक है, उसके बाद हाइडिंग, उसके बाद नियर और उसके बाद ट्री। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो हाइडिंग है वो क्या होगा आपका आईएनजी वाला है, ये आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ट्री भी आपका जो है वो क्या है, वो भी आपका क्या है एक नाउन है तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, फिर इज भी है वो भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका नियर होगा। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप बता रहे ना कि नियर द ट्री, कैट क्या है वो हाइड है नियर द ट्री, तो यहाँ पर रिलेशनशिप दिख रहा है, तो ये रिलेशनशिप कौन बता रहा है आपको, नियर ये वर्ड बता रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखिए क्या होगा, सेकंड एग्जांपल इसका होगा आपका पीटर स्टेड एट द स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देंगे आपको, आपको दे देंगे ऑप्शन स्टेड, आपको ऑप्शन दे देंगे फिर एट, फिर ऑप्शन दे देंगे इन और लास्ट में दे देंगे ऑप्शन स्काई। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको दे दिए। ठीक है, अब कहीं कहीं सेंटेंस में क्या होगा, प्रीपोजिशंस में भी क्या हो सकता है कि आपको दो जो है वो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं एक आंसर देंगे, कहीं कहीं दो आंसर भी हो सकते हैं, मोस्टली वो प्रीफर करेंगे सीईटी के हिसाब से है तो हो सकता है एक ही आंसर दे, बट मे भी कभी कभी हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो पीटर स्टेड एट, अब यहाँ पे स्टेड एट दिया हुआ है, एट किसको स्टेयर कर रहा है, एट द स्टार्स कर रहा है, तो ये नाउन हो गया। ठीक है, उसके रिलेशनशिप को बता रहा है, तो यहाँ पे एट जो है वो आपका क्या होगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। एंड फिर द इन द स्काई जो दिया हुआ है, इन द स्काई, ठीक है, शो कर रहा है, स्काई भी क्या है आपका है, ये आपका आपका नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी शो कर रहा है, किसके लिए रिलेटेड कर रहा है, यूज कर रहा है, इन के लिए यूज कर रहा है, तो यहाँ पे इन भी क्या हो जाएगा आपका, प्रीपोजिशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका सेवन टाइप, अ कंजंक्शन। अब ये क्या होता है, इज यूज टू ज्वाइन द वर्ड्स क्लॉजेस और सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये कंजंक्शन का काम करता है, किसी भी वर्ड को जोड़ने का काम करता है, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम करना पड़ता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन देंगे चार ऑप्शन, पहले उसके पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका द सन एंड द मून आर हेवनली बॉडीज। ठीक है, एंड अभी इसको आपको बोल देंगे कि आइडेंटिफाई द कंजंक्शन, ऑप्शन आपको देता हूँ मैं, एंड द, ठीक है, मून और हेवनली। ठीक है, तो आप बताइए इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो द सन द मून आर हेवनली बॉडीज, इन दोनों एक जो है ये द सन ये अलग वर्ड है एंड द मून आर हेवनली बॉडीज, ये अलग सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस और वर्ड दोनों को जोड़ा जा रहा है किसकी हेल्प से, एक एंड की हेल्प से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं सेकंड एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, राहुल स्पोक क्लियरली बट नो वन कुड अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि क्लियरली ऑप्शन दिया है आपको, बट ऑप्शन दिया है आपको और कुड ऑप्शन दिया है आपको, लास्ट ऑप्शन दिया है वो फोर्थ है, हिम ऑप्शन दे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं राहुल स्पोक क्लियरली, ये आपका एक पूरा सेंटेंस है, एंड नो वन कुड अंडरस्टैंड हिम, ठीक है, ये भी आपका एक दूसरा सेंटेंस है, और इन दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बनाया हुआ है जिसको जोड़ कौन रहा है, बट, ये आपका बट क्या हो जाएगा, अ कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको कि कैसे जो है वर्ड्स को जोड़ा जा रहा है, क्लॉज को जोड़ा जा रहा है और सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, और वही वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे इसका लास्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टाइप है उसकी तरफ, वो है आपका द इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, सम सडन मतलब अचानक कोई फीलिंग जो इमोशन दिखता है वो हमको फाइंड आउट करना है। अब ये वर्ड में भी डिफिकल्टीज होती हैं, कुछ कोई भी आपको ऑप्शन दे देंगे आपको बोलेंगे फाइंड आउट करने के लिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओह गॉड सेव अस फ्रॉम इल हेल्थ, अब इसमें आपको दे देंगे कि फाइंड आउट करो आपका इंटरजेक्शन क्या है, तो ओ गॉड एक ऑप्शन हो गया आपके लिए, फिर सेव दूसरा ऑप्शन हो गया,
एंड उसके बाद फ्रॉम हो गया थर्ड ऑप्शन एंड इल हेल्थ ये आपका हो गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें से जो है आपको क्या होगा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये हमने पढ़ा क्या है डेफिनेशन में कि सम सडन फीलिंग। अब सेफ तो कोई फीलिंग बताता नहीं है, ठीक है, फ्रॉम भी कोई फीलिंग बता नहीं रहा है और इल हेल्थ भी जो है क्या बता रहा है नहीं बता रहा ना, कोई फीलिंग तो नहीं बता रहा ना कि बीमार है, बस फीलिंग तो नहीं दिखा रहा और कोई सडन फीलिंग तो है नहीं। तो सडन फीलिंग क्या है, ओह गॉड, तो ये निकल के आता क्या आपकी सडन फीलिंग। तो आपको डेफिनेशन जब पता रहेगा चीज़ों का तो ही आप क्या कर सकते हो एग्जैक्टली आंसर जो है वो निकाल सकते हो। इसके लिए डेफिनेशन को भी रिकॉल करना ही उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ओ गॉड हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल इसका देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। हुर्रे वी हैव वॉन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, अगर मैं ऑप्शन बोलूँ कि वी हुर्रे एंड वॉन और कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल कौन सा जो है वो आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए वी जो है वो तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन है तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाता है। वॉन भी अगर मैं बोलूँ तो वॉन भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जितने भी तीनों वर्ड्स है क्या ये तीनों वर्ड्स कुछ फीलिंग दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। कौन सा वर्ड फीलिंग दिखाता है, हुर्रे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है 500 स्पीच का वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस टेस्ट एक्चुअली जो सीरीज चालू होगी, ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको क्लियर हो गया 500 स्पीच के बारे में। तो कितना क्लियर हुआ उसके लिए मैंने आपको जो है एक गूगल फॉर्म आपके लिए तैयार किया जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, इस टेस्ट को जो है टाइमर लगाया हुआ है मैंने, उस टाइम में ही आप सेट कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, पूरा समय नहीं मिलेगा दिन का या पूरा शाम का कि आपको बैठ के आराम से करना है। आपको एकदम आपको क्विक करना है, चीज़ों को फटाफट करना है। बाकी सब्जेक्ट में आप आराम से कर सकते हैं लेकिन आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से एंड आई होप ये आपको पूरा जो है पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो रिलेटेड फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।